हेलो बच्चों, तो आज हम देखेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के अंदर एलिमिनेशन वाला चैप्टर जो कि 11th का चैप्टर है। सबसे पहले जानते हैं एक्सक्रीशन क्या होता है। तो रिलीज ऑफ हार्मफुल एंड नॉन हार्मफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम बॉडी, यानी एनिमल के बॉडी से हार्मफुल और नॉन हार्मफुल सब्सटेंस का रिलीज होना क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। जैसे वो कौन कौन से सब्सटेंस हो सकते हैं, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर हमारा हो गया, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोरीन आयन, सल्फेट और फॉस्फेट हो जाता है। एनिमल के शरीर में दो प्रकार की रिएक्शंस होती है, मतलब एक रिएक्शन होती है मेटाबॉलिज्म, जिसमें दो प्रोसेस होती हैं, केटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। तो हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस होती हैं जिनमें दो प्रकार का प्रोसेस होता है, एक केटाबॉलिज्म होता है और एक एनाबॉलिज्म होता है। केटाबॉलिज्म मतलब देखो, सी से केटाबॉलिज्म, सी से कट, कट मतलब काटना या टूटना समझ लो एक तरह से। तो केटाबॉलिज्म में कोई भी सब्सटेंस क्या होगा, छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाएगा, और एनाबॉलिज्म में जुड़ना, ऐड होना। यानी देखो, हम यदि हमारा भोजन पच रहा है तो एक प्रकार का केटाबॉलिक रिएक्शन हो गया। भोजन का पचना क्या है, केटाबॉलिक रिएक्शन है। वहीं किसी पदार्थ का प्रोटीन का बनना, डीएनए का बनना, आरएनए का बनना एक तरह से एनाबॉलिज्म रिएक्शन है। अब देखते हैं अमोनोटेलिज्म क्या होता है। अमोनोटेलिज्म एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया का एक्सक्रीशन क्या कहलाता है, अमोनोटेलिज्म कहलाता है। अमोनोटेलिक एनिमल अब क्या होते हैं देखते हैं। अमोनोटेलिक एनिमल क्या होते हैं, हु सेक्रेट अमोनिया, वे एनिमल जो अमोनिया सेक्रेट करते हैं। कौन सा वे एनिमल, कौन से एनिमल जो अमोनिया सेक्रेट करते हैं, उन्हें अमोनोटेलिक एनिमल कहते हैं। अमोनिया क्या होता है, मोर टॉक्सिक होता है, मोर टॉक्सिक मतलब बहुत ही जहरीला होता है, इसीलिए इसको एक्सक्रीट करने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो सो मोर वाटर रिक्वायर आर नीडेड। यानी अमोनोटेलिक वे एनिमल होते हैं जो कि अमोनिया रिलीज करते हैं, और अमोनिया मोर टॉक्सिक होता है, इसी वजह से उसको रिलीज करने के लिए क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो जो ऑर्गेनिज्म पानी में रहते हैं वो अक्सर क्या होते हैं, अमोनोटेलिक होते हैं, क्योंकि उन मतलब सुचारू रूप से पानी मिल जाएगा। यदि पानी में रह रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी मिल जाएगा, ताकि अमोनिया को जल्दी जल्दी क्या कर सके, एक्सक्रीट कर सके। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, एक्वाटिक में एम्फीबियंस हो जाते हैं, फिशेस हो जाती हैं, और हमारी एक्वाटिक इंसेक्ट हो जाते हैं। एक्वाटिक मतलब जलीय, तो एक्वाटिक एम्फीबियंस हो गए, फिशेस हो गए और इंसेक्ट हो गए। अब देखते हैं आगे, यूरियोटेलिक एनिमल्स। कौन सा, यूरियोटेलिक एनिमल्स, तो वे एनिमल जो क्या एक्सक्रीट करें, यूरिया एक्सक्रीट करें। वे एनिमल जो यूरिया एक्सक्रीट करें उन्हें अमोनोटेलिक एनिमल कहेंगे। यूरिया का क्या देख लीजिए, फार्मूला देख लीजिए, केमिकल फार्मूला यूरिया का होता है NH2CO NH2। देखिए अमोनी जो एनिमल यूरिया निकालता है उसको लेसर वाटर नीडेड, यानी जो एनिमल क्या करेगा, यूरिया निकालेगा, उसे कम से कम पानी की आवश्यकता होगी। मतलब कम पानी, कम से कम मत बोलिए, थोड़ा कम पानी की आवश्यकता होगी। इसका मतलब यह क्या होता है, लेसर टॉक्सिक होता है, थोड़ा कम टॉक्सिक होता है। एग्जाम्पल देख लिए, किस में ये होता है, तो स्थलीय हो जाते हैं हमारे एम्फीबियंस, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस हो जाते हैं, सब मैरान फिशेस हो जाती हैं, और हमारे मैमल्स हो जाते हैं। हमारे क्या हो जाते हैं, मेनली क्या हो जाते हैं, मैमल्स हो जाते हैं। नोट, जिस एनिमल में किडनी के द्वारा एक्सक्रीशन होता है, अच्छा इधर आप एक नोट सब लिखवाए थे, देखिए आप नोट भूल गए थे। नोट, अमोनिया का एक्सक्रीशन में किडनी का कोई रोल नहीं होता है। यानी वे एनिमल जिनमें किसके द्वारा एक्सक्रीशन हुई, किडनी के द्वारा, वे एनिमल जिनमें किडनी के द्वारा एक्सक्रीशन हो रहा है, यदि उनमें अमोनिया बन गया तो वो कैसे रिलीज होगा, तो उसको हम देखते हैं। तो देखो, जिस एनिमल में किडनी के द्वारा एक्सक्रीशन होता है, यदि उनमें अमोनिया मेटाबॉलिज्म द्वारा बन जा रहा है, बाय चांस क्या हुआ, मेटाबॉलिज्म द्वारा अमोनिया बन गया, तो अमोनिया क्या करेगा, क्या क्या होगा, लीवर के द्वारा यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यदि मेटाबॉलिज्म के द्वारा अमोनिया बन जा रहा है, तो उसको लीवर के द्वारा यूरिया में क्या कर दिया जाएगा, कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और किडनी के पास भेज दिया जाता है, तीसरा देखते हैं, यूरिकोटेलिक एनिमल्स एक्सक्रीट यूरिक एसिड एज पेस्ट। तो वे एनिमल जो यूरिक एसिड को रिलीज करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, वे यूरिकोटेलिक एनिमल होते हैं। एग्जांपल के तौर पर रेप्टाइल्स होते हैं हमारे, जो रेंगने वाले होते हैं, बर्ड्स हो जाती हैं, लैंड स्नेल्स हो जाते हैं जो मोलस्का संघ के होते हैं, फाइलम के, लैंड स्नेल्स हो जाती हैं, और इंसेक्ट्स हो जाते हैं। और कुछ ऑर्गन्स, मतलब अब देखते हैं कि और जो बच जा रहे हैं एनिमल, उनमें किसके द्वारा एक्सक्रीशन होता है। तो देखो, प्रोटोनेफ्रिडिया, हमारे जो कुछ ऑर्गन्स के बारे में अब देखेंगे किसके किसके द्वारा एक्सक्रीशन होता है। तो उसमें सबसे पहले देखते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल्स। ये मेनली प्लेटी एलिमेंथीज में पाया जाता है। जो फ्लेम सेल्स है ना, मेनली किसमें पाया जाएगा, प्लेटी एलिमेंथीज, जो कि एनिमल किंगडम का है। तो प्लेटी एलिमेंथीज में, तो प्लेटी एलिमेंथीज को हम दूसरा नाम फ्लैटवार्म, प्लेटी एलिमेंथीज को क्या बोलते हैं, फ्लैटवार्म, क्यों, इनकी बॉडी कैसी होती है, फ्लैट होती है, चपटी होती है, कैसी होती है, चपटी होती है, फ्लैट वार्म, इसीलिए इनको बोलते हैं। एग्जांपल के तौर पे है यहाँ पे प्लेनेरिया, तो प्लेनेरिया का एक गुण होता है हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। तो प्लेनेरिया का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। यानी रीजनरेशन मतलब, जैसे हम छिपकली का क्या करते हैं, पूछ मान लो
ये पूंछ थी उसको काट दिए, देखना कुछ समय बाद, कुछ महीनों बाद या कुछ हफ्तों बाद क्या होता है, ये पूंछ फिर से जम जाती है, ये एक प्रकार का रीजनरेशन है। तो प्रोटोनेफ्रिडिया के द्वारा प्लेटी एलिमेंथिस में होता है, जिसका दूसरा नाम फ्लैट वार्म है, और ये एग्जाम्पल के तौर पर प्लेनेरिया हो गया। अब रोटिफर्स में भी होता है और कुछ एनिलिड्स में होता है, एम्फियोक्सस में होता है। एम्फियोक्सस भी किसका, एनिमल किंगडम का है। अब देखते हैं नेफ्रिडिया, अब नेफ्रिडिया का देखिए, तो नेफ्रिडिया किस में होता है, अर्थवार में होता है। नेफ्रिडिया किस में होता है, अर्थवार में होता है। मेलफिगियन ट्यूबल्स के द्वारा किस में होता है, आर्थ्रोपोड्स में, जो इंसेक्ट होते हैं हमारे, जैसे काक्रोच हो गया, यानी मेलफिगियन ट्यूबल्स आर्थ्रोपोड्स में जैसे इंसेक्ट हो जाते हैं, जैसे काक्रोच हो गया हमारा। काक्रोच का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या होता है, पेरी प्लेनेटा अमेरिकाना। तो मेलफिगियन ट्यूबल्स एक्सक्रीशन तो करता है, ये साथ साथ ऑस्मोरेगुलेशन भी करता है। क्या करता है, ऑस्मोरेगुलेशन या ऑस्मोटिक बैलेंस करता है। अब देखते हैं कुछ और, एक और ग्लैंड है हमारी ग्रीन ग्लैंड। कौन सी ग्रीन ग्लैंड, ग्रीन ग्लैंड या एंटीनल ग्लैंड जिसे बोलते हैं, ग्रीन ग्लैंड या एंटीनल ग्लैंड बोलते हैं, जो कि प्रांस में पाई जाती है। किसमें, प्रांस में, झींगा में पाई जाती है। अब देखते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारा क्या आता है, किडनी आती है हमारी, कौन सी आती है, किडनी आती है। तो ह्यूमन में एक्सक्रीशन किडनी करती है, हमारे लंग्स करते हैं, फेफड़े जो होते हैं वो भी करते हैं, लीवर भी करता है, बिलीरुबिन बिलीवर्डिन सिक्रीट करता है। जो हमारे फेफड़े होते हैं वो 18 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड एक दिन में एक्सक्रीट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे किडनी का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो पहले जानते हैं किडनी, किडनी कितनी होती है, वन पेयर होती है। देखिए एक दो, एक पेयर पाई जा रही है, नहीं पाई जा रही है, वन पेयर यूरेटर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एक पेयर यूरेटर, जो कि पैसेज होता है यूरिन के लिए, मतलब जो यूरिन इस किडनी में बनेगा वो किसके थ्रू जाएगा, यूरेटर के थ्रू जाएगा, और गाल ब्लैडर में जाके इकट्ठा हो जाएगा, गाल ब्लैडर में जाके इकट्ठा हो जाएगा। तो वन पेयर हमारी किडनी होती है, और वन पेयर क्या होता है, यूरेटर होता है। एक क्या होता है, एक क्या होता है, गाल यूरिनरी ब्लैडर होता है। क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, और एक यूरेथ्रा होता है, एक यूरेथ्रा होता है। यूरेथ्रा क्या है, कॉमन पैसेज है, कॉमन पैसेज है किसके लिए, यूरिन के लिए और सीमेन के लिए, यूरिन के लिए और सीमेन के लिए। मान लो इधर से क्या आएगा, सीमेन आएगा, इसी में रिलीज हो जाएगा। तो यूरिन के लिए और सीमेन के लिए यूरेथ्रा एक कॉमन पैसेज होता है। अब देखिए ये जो हमारी किडनी होगी, किडनी का स्ट्रक्चर हम आगे देख लेंगे अच्छे से। तो देखिए किडनी में एक नोच होता है ऐसे, देखिए मान लो हमारी किडनी होगी ना एक वाली, तो ऐसा नोच होता है। तो ये नोच जो धसा होता है ना यहाँ पे, इसको हम हाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। यहीं से हमारा जो यूरेटर है वो निकलता है, यूरेटर हमारा यहीं से निकलता है, यूरेटर यहीं से निकलता है, और यूरिन को कहाँ ले जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में ले जाता है। और यहाँ से हमारी ब्लड वेसल्स और नर्व्स भी यहीं पे इंटर करती हैं। जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, जो देखिए डार्सल रूटा है ना, यहीं से क्या करता है, इंटर करता है। अब आते हैं देखते हैं, और देखो जो किडनी का बीच वाला भाग है, जो किडनी का देखो ये सफ़ेद वाला छोड़ दिया हमने इधर, एक सेकंड देखिए, जो ये किडनी का जो सफ़ेद वाला भाग है, ये जो सफ़ेद वाला भाग है ना, इसको हम रीनल पेल्विस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रीनल पेल्विस। और एक ट्रिक याद कर लीजिए आप, ट्रिक क्या ये है, यदि कहीं भी क्या दिया हो, रीनल दिया हो, क्या दिया हो, रीनल दिया हो, रीनल लगाओ, इसका मतलब वो किससे रिलेटेड है, किडनी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, किडनी से रिलेटेड है। अब देखिए हमारी किडनी एक पेयर होती है, एक पेयर हमारे यूरेटर पाया जाता है, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है, और एक यूरेथ्रा होता है। किडनी रेडिश ब्राउन कलर की होती है, कैसी होती है, रेडिश ब्राउन कलर की होती है, और बीन शेप की होती है। बीन शेप मतलब एक सेम की बीज आती है, जो सेम के बीज आपने खाया होगा तो देखा होगा कि सब्जी होती है, तो उसी के बीज के शेप की होती है, यानी बीन शेप की होती है। जो हमारी किडनी की लंबाई होता है वो 10 से 12 सेंटीमीटर होता है, जो उसका चौड़ाई होता है वो 5 से 7 सेंटीमीटर, और जो मोटाई होता है 2 से 3 सेंटीमीटर होता है। तो लेंथ 10 से 12 सेंटीमीटर, विड्थ 5 से 7 सेंटीमीटर, और थिकनेस 2 से 3 सेंटीमीटर होता है। और वेट की बात करें तो 120 से 170 ग्राम की होती है। हमारी किडनी कितनी होती है, 120 से 170 ग्राम की होती है, 120 से 170 ग्राम की होती है। अब देखते हैं रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस क्या होता है, फनल शेप का होता है। कैसा होता है, फनल शेप का। हमारा रीनल पेल्विस जो बताया ना, यही क्या है, हमारा रीनल पेल्विस जो कि फनल शेप का होता है। फनल मतलब देखो यह बनाया ऐसा ना, ऐसा ही फनल शेप का होता है। कैलिक्स, कैलिक्स क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस का है? क्या है, प्रोजेक्शन है। रीनल पेल्विस का ही प्रोजेक्शन है। देखिए जो हमारा रीनल पेल्विस है ना, इसका जो प्रोजेक्शन निकला हुआ है यही क्या है, कैलिक्स है। यही क्या होता है, कैलिक्स है। और कैलिक्स में क्या होता है, ऐसे करके मेडुलरी पिरामिड्स होते हैं। कैलिक्स में मान लो हमारा कैलिक्स है ये, तो इनमें क्या होगा, मेडुलरी पिरामिड हो गया। ऐसे क्या होंगे, मेडुलरी पिरामिड होंगे। ऐसे क्या करके होंगे, मेडुलरी पिरामिड होंगे। तो जो कैलिक्स होता है ना, रीनल पेल्विस का ही क्या होता है, प्रोजेक्शन होता है। क्या होता है, प्रोजेक्शन होता है ऐसे करके। और इसी में मेडुलर हमारे क्या होते हैं, मेडुलरी पिरामिड्स होते हैं। आगे देखिए कालम अवर्तिनी देखते हैं किसको बोलते हैं, कालम अवर्तिनी। देखिए जो हमारी ये किडनी है ना, और जो यहाँ पे कैलिक्स है, और जो हमारा ये क्या निकला है, मेडुलरी पिरामिड्स निकले हैं। तो ये मेडुलरी पिरामिड, दो मेडुलरी पिरामिड के बीच में जो स्पेस होता है, ये वाला जो स्पेस है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, कालम अवर्तिनी बोलते हैं। तो स्पेस बिटवीन टू मेडुलरी पिरामिड्स, यानी दो मेडुलरी पिरामिड के बीच के स्पेस को हम कालम अवर्तिनी कहते हैं, कालम अवर्तिनी कहते हैं। देखिए हमारे किडनी में दो जोन होते हैं, कौन सा, एक आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला हो गया।
जो एक आउटर कार्टेक्स हो जाता है, इनर एक मेडुला होता है, जो इसमें हम लाल वाला भाग दिखा दिए ये वाला ना, ये कार्टेक्स वाला भाग है, जो ये पीला वाला भाग है वो कौन सा है, मेडुला वाला भाग है, आप ऐसे याद कर लीजिए नॉर्मली। तो ये क्या हो गया, कार्टेक्स हो गया, ये क्या हो गया, मेडुला हो गया, कार्टेक्स और मेडुला दो जोन होते हैं। अब आते हैं मेडुला, मेडुला क्या कंटेन करता है, मेडुलरी पिरामिड्स। जो देखो हमारा जो मेडुलरी पिरामिड हम बताए हैं अभी ना, मेडुलरी पिरामिड देखो, ये मेडुलरी पिरामिड, तो मेडुलरी पिरामिड किस में पाया जा रहा है, मेडुला वाला रीजन में पाया जा रहा है कि नहीं, जो पीला वाला भाग उसी में पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा है। तो मेडुलरी पिरामिड कहाँ होते हैं, मेडुला वाला भाग में होते हैं। नेफ्रान, नेफ्रान हमारा दो पार्ट्स में बांटा गया, नेफ्रान को कितने पार्ट में बांटा गया, दो पार्ट में, यानी हम नेफ्रान दो पार्ट से मिलकर बना होता है, एक होता है ग्लोमेरुलस और दूसरा होता है रीनल ट्यूब्यूल्स, ग्लोमेरुलस हो गया और रीनल ट्यूब्यूल्स हो गए। देखिए ग्लोमेरुलस में दो आर्टरी से मिलकर बना होता है, ग्लोमेरुलस होता है उसमें दो आर्टरी, एक आर्टरी आती है एक जाती है। मान लो एक आर्टरी आएगी, मान लो एक आर्टरी आएगी और यहाँ पे खूब गुच्छा बनाएगी और फिर चली जाएगी, जैसे यहाँ पे देखो एक आर्टरी आई है ना और खूब यहाँ पे गुच्छा बनाई है अपना और फिर चली गई है, फिर चली गई है। तो देखो तो हमारा जो ग्लोमेरुलस है वो उसमें एक अफरेंट आर्टियोल होता है और एक इफरेंट आर्टियोल होता है। तो अफरेंट आर्टियोल नाइट्रोजनस बेस को लाती है, क्या करती है, नाइट्रोजन जो बेस होगा, जो टॉक्सिक सब्सटेंस होगा उसको या ब्लड को लाएगी और क्या करेगी, यहाँ पे अपने यहाँ पे इसमें ब्लड आके घूमेगा और यहाँ पे फिल्टर होगा। मान लो यहाँ से नाइट्रोजनस वेस्ट आया, वो क्या होगा, इसमें फिल्टर किया जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, नीचे चला जाता है, इसका आगे हम देखेंगे, इसमें आगे देखेंगे, और जो कुछ बच जाता है वो आगे चला जाता है किसके द्वारा, इफरेंट के द्वारा। तो अफरेंट लाने का काम करती है और इफरेंट ले जाने का काम, तो अफरेंट आर्टियोल लाने का काम करता है, इफरेंट आर्टियोल ले जाने का काम करता है। अब देखो पहला पार्ट तो ग्लोमेरुलस देख लिया नेफ्रान का, दूसरा पार्ट क्या था, रीनल ट्यूबल्स। तो रीनल ट्यूबल्स की संख्या कितनी होती है, चार होती है, कितनी होती है, चार होती है, जो कि हम आगे देखेंगे। तो देखो यही होता है हमारा ग्लोमेरुलस, यही क्या है ग्लोमेरुलस, देखो ये अफरेंट आ रही है इफरेंट जा रही है, तो अफरेंट और इफरेंट से मिलकर बनी है कि नहीं बनी है, तो अफरेंट हो गया ये वाला और इधर जा रही जो इफरेंट हो गया। तो ये नाइट्रोजनस वास्ट को लाती है ज़्यादा से ज़्यादा और इसमें फिल्टर किया जाता है, कुछ छाना जाता है जिसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलेंगे, और आगे फिर थोड़ा कम हो जाएगा तो इसी के साथ चला जाता है और इफरेंट आर्टिकल के थ्रू ना। ठीक है आगे चलते हैं अब। अच्छा निफ्रान, निफ्रान देख लीजिए, निफ्रान होता है ना स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है किसका, किडनी का। तो निफ्रान क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो हमारी किडनी का स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होता है निफ्रान, जिसकी संख्या हर एक किडनी में 1 मिलियन, यानी दो किडनी में 2 मिलियन हो गया, 2 मिलियन, 1 मिलियन में कितना लाख, 10 लाख होता है, 1 मिलियन में 10 लाख। तो निफ्रान स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होता है किडनी का और हर एक किडनी में 1 मिलियन पाया जाता है, यानी दो किडनी में 2 मिलियन हो गया, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 मिलियन। अब देखते हैं रीनल ट्यूबल्स, रीनल ट्यूबल्स की संख्या कितनी होती है, चार होती है, रीनल ट्यूबल्स की संख्या चार होती है। देखो पीसीटी डीसीटी हेनले लूप और कलेक्टिंग डक्ट। तो पहले पीसीटी होगा, उससे जुड़ा होगा कौन सा, हेनले लूप। पीसीटी से कौन जुड़ा होता है, हेनले लूप होता है, उससे जुड़ा होता है कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट डीसीटी जुड़ी होती है, और डीसीटी से कौन जुड़ता है, कलेक्टिंग डक्ट। पहला होता है पीसीटी, दूसरा हेनले लूप, हेनले लूप से जुड़ेगा डीसीटी, डीसीटी से कौन जुड़ेगा, कलेक्टिंग डक्ट। पीसीटी का फुल फॉर्म है देखो प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल्स, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल्स। हेनले लूप में दो होते हैं, हेनले लूप में कितने लूप होते हैं, दो लूप होते हैं, कितने लूप होते हैं, दो लूप होते हैं, कौन कौन, डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले, यानी एक नीचे रहा नीचे आएगा, और दूसरा होता है असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले, यानी ये क्या होगा, ऊपर जाएगा, एक नीचे आएगा एक ऊपर जाएगा, एक नीचे आएगा एक ऊपर जाएगा। तो हेनले लूप में दो लूप होते हैं, हेनले लूप में कितने लूप, दो लूप या दो लिंब होते हैं, डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले और असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले। अब देखिए रीनल ट्यूबल्स, इसके सिरों पर एक कैप कैप लाइक एक कप लाइक स्ट्रक्चर जुड़ा रहता है, जिसे हम बावर्स कैप्सूल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बावर्स कैप्सूल। देखो यही हमारी क्या हो गई, हमारी यही डक्ट्स हैं, जो हमारे ट्यूब्यूल है ना, यही चार प्रकार की जो चार हमारे ट्यूब्यूल्स हैं यही है। देखो एक हो गया पीसीटी, यहाँ से यहाँ तक का भाग क्या हो जाता है, पीसीटी, यहाँ से यहाँ तक का भाग क्या हो जाता है, पीसीटी। और जो नीचे वाला भाग है ना यू शेप का, जो ये यू शेप का है, इसको हम क्या बोलते हैं, हेनले लूप, हेनले लूप। तो देखो ये जो नीचे जा रहा है, जो नीचे जा रहा है वो डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले है, जो नीचे जा रहा है वो क्या है, डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले, और जो ऊपर जा रहा है वो क्या है, असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले। और आगे किससे जाकर जुड़ा होता है, डीसीटी से, किससे, डीसीटी से, और डीसीटी किससे जाकर जुड़ी होती है, किससे जुड़ी होती है, कलेक्टिंग डक्ट से। तो देखो बहुत सारी डीसीटी होती है ना, वो आके कलेक्टिंग डक्ट से जुड़ती है, मान लो एक यहाँ पे जुड़ी है, एक यहाँ पे जुड़ेगी, एक यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ से जो यूरिन बन के आएगा ना, जो यूरिन बन के यहाँ से आएगा, इसी कलेक्टिंग डक्ट में क्या होगा, कलेक्ट होगा, कलेक्टिंग डक्ट मतलब क्या करेगी, कलेक्ट करेगी। अब देखो बावर्स कैप्सूल, बावर्स कैप्सूल और रीनल ट्यूबल्स, जो हमारे ये बावर्स कैप्सूल हो गया, जो रीनल ट्यूबल्स हो गई, इनको एक साथ हम क्या बोलते हैं, मेल्पिगियन बॉडी बोलते हैं, मेल्पिगियन बॉडी बोलते हैं। तो जो हमारा ये जो हमारा बावर कैप्सूल हो गया और जो ये हमारी रीनल ट्यूबल्स हो गई चारों, इनको एक साथ हम क्या बोलते हैं, मेल्पिगियन बॉडी बोलते हैं, रीनल कैप्सल बोलते हैं, रीनल कैप्सल्स बोलते हैं। आ जाते हैं देखो इधर, ये हमारा जो कटोरा लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसको हम क्या बोलते हैं,
मेलपीगी, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, बाउंस कैप्सूल, इसको क्या बोलेंगे, बाउंस कैप्सूल। ये क्या हो गया हमारा, ग्लोमेरुलस हो गया, ये क्या हो गया, ग्लोमेरुलस हो गया, ये हो गया बाउंस कैप्सूल, ये हो गया ग्लोमेरुलस। बाउंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को एक साथ क्या बोल दो, एक साथ क्या बोल दो, मेलपीगियन कैप्सूल बोल दो, क्या बोल दो, बाउंस मेलपीगियन कैप्सूल बोल दो। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गलती हो गया था, उसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे, इसके लिए सॉरी। देखिए जो बाउंस कैप्सूल होता है ना, और बाउंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, कौन सा ग्लोमेरुलस, कौन सा ग्लोमेरुलस, जो हमारा बाउंस कैप्सूल हो गया, ये जो बाउंस कैप्सूल हो गया, ये जो ग्लोमेरुलस हो गया, इसको एक साथ हम मेलपीगियन कैप्सूल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेलपीगियन कैप्सूल बोलते हैं। तो देखिए जो यहाँ से आता है हमारा जो ग्लोमेरुलस और यहाँ पे जो बाउंस कैप्सूल होगा, इसको एक साथ क्या बोलते हैं, मेलपीगियन बॉडी बोलते हैं, रीनल कैप्सूल बोलते हैं, मेलपीगियन बॉडी है, रीनल कैप्सूल बोलते हैं। अब देखो ये डिसेंडिंग लिम्बा प्लूपा फैलने, ये असेंडिंग लिम्बा प्लूपा फैलने होता है, और इधर डीसीटी हो गया, इधर क्या हो गया, कलेक्टिंग डक्ट हो गया, कलेक्टिंग डक्ट हो गया। अब आगे देखिए कॉर्टिकल नेफ्रान, जो हमारा नेफ्रान होता है ना, टू प्रकार का होता है, दो टाइप का होता है नेफ्रान, कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है, पहला कॉर्टिकल नेफ्रान, दूसरा है जक्स्टा ग्लोमेरुलस नेफ्रान, एक होता है कॉर्टिकल नेफ्रान, दूसरा होता है जक्स्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रान। देखिए कॉर्टिकल नेफ्रान क्या होता है, हेलने लूप छोटा होगा, जो कॉर्टिकल नेफ्रान होगा ना उसमें हेलने लूप क्या होगा, छोटा, यानी केवल कॉर्टेक्स रीजन में होगा, मेडुला रीजन में नहीं होगा, ओनली इन कॉर्टिकल या कॉर्टेक्स रीजन, किसमें, ओनली कॉर्टेक्स रीजन में होगा। तो हेलने लूप क्या होता है इसमें, छोटा हो, जो कॉर्टिकल नेफ्रान होता है उसमें हेलने लूप क्या होता है, छोटा होता है। जो हमारा ये हेलने लूप है ना, ये बहुत छोटा होगा, मान लो यहीं से आके चला गया, इतना ही छोटा है, ये थोड़ा बड़ा दिखा दिए, मान लो इसमें बहुत छोटा होगा, तो वही क्या हो जाएगा, कॉर्टिकल नेफ्रान हो जाएगा। देखो ये हम जो ये बीच में हम लाइन खींचे हैं ना, ऊपर का एरिया क्या है, कॉर्टेक्स वाला है, और नीचे का क्या है, मेडुला वाला है। तो मान लो यहाँ से हटा दो इसको, यहाँ से क्या करो, हटा दो, तो इस समय जो नेफ्रान होगा वो कॉर्टिकल नेफ्रान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉर्टिकल नेफ्रान हो जाएगा। तो कॉर्टिकल नेफ्रान में क्या होता है, हेलने लूप बहुत छोटा होता है, ओनली इन कॉर्टिकल रीजन। अब देखते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलरी नेफ्रान, भाई इसका जस्ट उल्टा कर दो अब, तो हेलने लूप क्या होगा, बड़ा होगा, हेलने लूप बड़ा होगा, मेडुला रीजन तक जाएगा, मेडुला रीजन तक, अंदर तक जाता है। नोट कर लो, इफरेंट आर्टियोल आगे जाकर रीनल ट्यूबल्स के चारों ओर एक जाल बना लेती है, क्या बना लेती है, जाल बना लेती है, जिन्हें हम पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी बोलते हैं। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, देखो एक अफरेंट आई थी, इफरेंट जा रही थी, तो इफरेंट देखो आगे आई है कि नहीं आई है, आगे देखो, इसके आगे जाके साथ साथ पैरेलल हो गई, क्या हो गई, पैरेलल हो गई, पैरेलल होती है और साथ साथ जाल भी बनाती है, ऐसे करके जाल बना लेती है चारों तरफ, इसके चारों तरफ क्या कर लेती है, ये इफरेंट वाली जाल बना लेती है, और हेलने लूप के पैरेलल हो जाती है। तो देखो तो इफरेंट आर्टियोल आगे जाकर रीनल ट्यूबल्स के चारों ओर एक जाल बना लेती है, क्या करती है, जाल बना लेती है, और जिन्हें हम पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी बोलते हैं। तो इफरेंट आर्टियोल आगे रीनल ट्यूबल्स के चारों तरफ जाके जाल बना लेगी, जिसे हम पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी कहते हैं, या उसे पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी कहा जाता है। हेलने लूप के पैरेलल इन्हीं में से कुछ कैपिलरी मेडुला तक जाती हैं, इन्हीं में से कुछ कैपिलरी क्या थी, हेलने लूप के, जो हेलने लूप हमारा था ना उसी के पैरेलल ऐसे जाती है, मान लो हेलने लूप हमारा इधर से इधर जाता रहे, तो ये इधर से इधर जा रही है, उल्टा जा रही है, और यू शेप का आकार बना लेती हैं, जो को इसके पैरेलल जाएगी और यू शेप का आकार बना लेगी, जिसे हम क्या बोलेंगे, वासा रिक्टा कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, वासा रिक्टा कहते हैं, जिसे हम वासा रिक्टा कहते हैं। कॉर्टिकल नेफ्रान में वासा रिक्टा एब्सेंट होता है, भाई देखो जब ये हेलने लूप भी बहुत छोटा रहेगा तो वहाँ पे वासा रिक्टा नहीं होगी, तो वही जो कॉर्टिकल नेफ्रान होता है ना, जो कॉर्टिकल नेफ्रान होता है ना उसमें जो हमारी वासा रिक्टा होती है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। अब देखिए यूरिन फॉर्मेशन, अब आप देखते हैं कि यूरिन का फॉर्मेशन कैसा होता है, तो यूरिन के फॉर्मेशन में तीन प्रोसेस आते हैं, कितने प्रोसेस आते हैं, तीन प्रोसेस आते हैं। तो पहला देख लिया ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, पहला ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन होता है, दूसरा रीअब्जॉर्प्शन होता है, तीसरा सेक्रीशन होता है। तो पहला ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन होता है, दूसरा रीअब्जॉर्प्शन होता है, और तीसरा क्या होता है, सेक्रीशन होता है। तो देखिए ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन क्या है, इसमें ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, क्या होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन। तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, जो ग्लोमेरुलस में किया जाता है, इसमें ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा और छनाव होगा, फिल्ट्रेशन है, छनाव होगा, जो ग्लोमेरुलस द्वारा किया जाता है, जिसे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन कहा जाता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन कहा जाता है। देखो ये हमारा ग्लोमेरुलस है कि नहीं है, देखो ये हमारा बाउंस कैप्सूल हो गया, ये ग्लोमेरुलस है, तो यहाँ से क्या होगा, एक सेकेंड, हाँ देखो यहाँ से क्या होगा, हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट आएगा और इसमें क्या हो जाएगा, छन जाएगा, और यहाँ से रिलीज होगा, क्या होगा, यहाँ से रिलीज होकर आगे चला जाता है पीसीटी में, पीसीटी से जाएगा हेलने लूप में, फिर डीसीटी में, फिर कलेक्टिंग डक्ट में, कलेक्टिंग डक्ट होते हुए कहाँ चला जाएगा, यूरेटर में, यूरेटर से यूरेथ्रा में चला जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में, फिर यूरेथ्रा में चला जाता है। तो देखो यूरिन फॉर्मेशन में पहला ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन होगा, तो इसमें ब्लड का क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है, सबसे पहले ब्लड हमारा ग्लोमेरुलस में आता है और वहाँ पे फिल्टर किया जाता है, जिसे हम ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन कहते हैं या ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन कहलाता है। किडनी क्या करती है, एक मिनट में पर मिनट 1100 से 1200 ml ब्लड को क्या करती है, फिल्टर करती है। जो हमारी किडनी होती है वो हर मिनट
1100 से 1200 ml ब्लड को फिल्टर करती है, 1100 से 1200 ml ब्लड को फिल्टर करती है। तो देखो ये हमारा क्या है, मेल्पिगियन ट्यूब्यूल है, मेल्पिगियन बॉडी है, मेल्पिगियन बॉडी है, रीनल कैप्सूल जिसको बोलते हैं। तो देखो ये हमारा ग्लोमेरुलस हो गया, ये क्या हो गया, बावर्स कैप्सूल हो गया। तो यहाँ से नाइट्रोजनस वेस्ट आएगा, यहाँ पे छनाएगा, क्या होगा, छाना जाएगा और इसमें से जो नाइट्रोजनस वास्ट होंगे ना वो यहाँ से रिलीज हो जाएंगे और आगे किसके द्वारा चले जाते हैं, आगे इफ्रेंट के द्वारा चला जाएगा। इसमें देखो ज़्यादा नाइट्रोजनस वास्ट होता है, इसमें कम होता है, इसमें ज़्यादा मतलब वास्ट मटेरियल होगा और इसमें क्या होगा, कम होगा। तो ये अफरेंट है, ये क्या इफरेंट है। तो देखो ये बावर्स कैप्सूल होता है ना, जो ये बावर्स कैप्सूल होता है ना, वो उसका जो उसका वाल है किससे बनी होती है, एपिथेलियम टिश्यू से, किससे बनी होती है, एपिथेलियम टिश्यू से। और बीच में क्या पाया जाता है, देखो जो हमारा ये क्या हो गया, ग्लोमेरुलस हो गया, ये जो बावर्स कैप्सूल हो गया, इसके बीच में जो स्पेस बच रहा है, क्या बच रहा है, स्पेस बच रहा है, उसमें क्या होता है, बेसमेंट सब्सटेंस होते हैं, कुछ क्या होते हैं, बेसमेंट सब्सटेंस होते हैं। और जो हमारी जो ये ग्लोमेरुलस है ना, उसकी जो वाल होती है वो इंडोथेलियम की बनी होती है, किसकी बनी होती है, इंडोथेलियम की बनी होती है। जो हमारी ब्लड वेसल ये वाली है, जो ग्लोमेरुलस वाली, वो किससे बनी होती है, इंडोथेलियम से बनी होती है। तो जो ब्लड का फिल्ट्रेशन हो रहा है, वो इंडोथेलियम की वजह से भी होता है, बेसमेंट सब्सटेंसेस से भी होता है और बावर्स कैप्सूल से भी होता है। अब देखिए इन्हीं तीन लेयर से ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, जो ब्लड हमारा फिल्टर होना इन्हीं तीनों से हो रहा है, इपिथिलियम टिश्यू से, बेसमेंट सब्सटेंसेस और इंडोथिलियम से। ब्लड अफरेंट आर्टिकल के द्वारा ग्लोमेरुलर में आता है, किसमें आता है, ग्लोमेरुलस में आता है। तो हमारा ब्लड जो होता है वो अफरेंट आर्टिकल के द्वारा ग्लोमेरुलस में आता है, जिसे वास्ट मटेरियल होता है, जिसमें क्या होता है, वास्ट मटेरियल होता है। फिर वहाँ से फिल्टर होकर इफरेंट आर्टियोल के द्वारा चला जाता है। मान लो यहाँ से ब्लड आया जिसमें वास्ट मटेरियल था, यहाँ पे क्या होगा, फिल्टर होगा और यहाँ से फिर चला जाएगा आगे इफरेंट के द्वारा, अफरेंट के द्वारा आता है, इफरेंट के द्वारा चला जाता है। बावर्स कैप्सूल के इपिथिलियम सेल्स को पोडोसाइट्स कहा जाता है। जो बावर्स कैप्सूल है ना, जो हमारे बावर्स कैप्सूल है ना, ये वाला बावर्स कैप्सूल है ना, इसको सेल्स को क्या बोलते हैं, इसके इपिथिलियम जो सेल्स है ना उसको हम पोडोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, पोडोसाइट्स कहते हैं। जो फिल्ट्रेशन स्लिट्स अथवा स्लिट पोर बनाती है, जो कि क्या करेंगी ना, कि छोटा छोटा छिद या पोर जनरेट करती हैं अपने अंदर, क्या जनरेट करती हैं, इसे पोर जनरेट करती हैं जिससे क्या, ब्लड फिल्टर हो, जाली नुमा बना देती हैं। तो जो बावर्स कैप्सूल के एपिथेलियम सेल्स होते हैं उसमें पोडोसाइट्स कहा जाता है उन्हें, जो फिल्ट्रेशन स्लिट्स या स्लिट पोर बनाती हैं जिससे ब्लड फिल्टर होता है। यही प्रक्रिया ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहलाती है। यही प्रक्रिया क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है। अब देखते हैं GFR क्या होता है। GFR आप इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। GFR ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट किडनी के द्वारा हर मिनट फिल्टर किए गए ब्लड की रेट क्या कहलाती है, GFR कहलाती है। तो किडनी हर मिनट में कितना ब्लड को फिल्टर करती है वही क्या कहलाती है, किडनी के द्वारा मत कहिए आप, यहाँ पे किडनी के द्वारा मत कहिए, यहाँ पे ग्लोमेरुलस के द्वारा किसके द्वारा, ग्लोमेरुलस के द्वारा। तो ग्लोमेरुलस के जो द्वारा, ग्लोमेरुलस या लिख लीजिए पूरा, तो ग्लोमेरुलस के द्वारा हर मिनट जितना ब्लड फिल्टर किया जाता है वही रेट क्या कहलाता है, GFR कहलाता है, जो कि 125 ml per minute होता है। किडनी के द्वारा तो 1100 से 1200 ml हो रहा था कि नहीं होता, पीछे देखे ना, 1100 से 1200 ml हो रहा था, 1100 से 1200 ml, वहीं ग्लोमेरुलस के द्वारा 125 ml per minute होता है, या एक दिन में 180 liter होता है, हमारा जो ब्लड फिल्टर, और उसमें से कितना एक्सक्रीट होता है, केवल 1.5 liter, यानी 1.5 liter करीब, यानी 99% क्या हो जा रहा है, रीअब्जॉर्ब हो जाता है। आगे देखिए, अब एक सेकेंड, देखिए GFR में लगभग 99% फिल्ट्रेट का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। जो हमारा 180 लीटर बना था ना, उसमें से 99% लगभग कितना, 99% का क्या हो जाता है, रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। और जो ये रीअब्जॉर्प्शन है ना, वो रीनल ट्यूब्यूल्स के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, रीनल ट्यूब्यूल्स, हमारी PCT हो गई, हमारी हेनले लूप हो गई, DCT हो गई और कलेक्टिंग डक्ट हो गई, इनके द्वारा ये रीअब्जॉर्प्शन किया जाता है। लगभग 180 लीटर में से 99% यानी 179 लीटर तक क्या होता है, रीअब्जॉर्ब हो जाता है, केवल 1.5 liter ही बचता है, जो कि एक एडल्ट ह्यूमन द्वारा एक दिन में एक्सक्रीट किया जाता है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, रीअब्जॉर्प्शन कहलाती है। अब देखते हैं सेक्रीशन, तीसरा प्रोसेस क्या है, सेक्रीशन, केवल 1 से 2% फिल्ट्रेट का एक्सक्रीशन किया जाता है। कितना, 1 से 2% फिल्ट्रेट का, 1 लीटर से 1.5 liter एक दिन में, कितना यूरिन हमारा एक्सक्रीट होता है एक दिन में, 1 से 1.5 liter, यानी केवल 1% याद कर लीजिए यहाँ पे। अब देखते हैं फंक्शन ऑफ ट्यूबल्स के कार्य, अब PCT के कार्य देख लेते हैं, किसके, PCT के कार्य देखिए। प्रॉक्सिमल कैनुलेटेड ट्यूबल 70 से 80%
इलेक्ट्रोलाइट्स हो गई, जो हमारी सोडियम पोटेशियम आयन हो गया 70-80% इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर का क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है। जो पीसीटी होता है ना 70-80% इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है, और पीएच और आयनिक बैलेंस को क्या करता है, मेंटेन करता है। पीएच मान हो गया और आयनिक बैलेंस हो गया, उसको क्या करता है, बैलेंस करता है। और देखिए पीएच मान आपको यूरिन का याद कर लीजिएगा, अपने आंसू का क्या होता है ये सब याद कर लीजिएगा। देखिए तो पीसीटी क्या करता है, 70-80% इलेक्ट्रोलाइट्स का तथा वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है, पीएच मान को तथा आयनिक बैलेंस करता है, पीएच को तथा आयनिक को क्या करता है, बैलेंस करता है। सेलेक्टिव सेक्रीशन ऑफ पीएच प्लस आयन अमोनिया पोटेशियम SO3- आयन, यानी जो और सेलेक्टिव सेक्रीशन कराता है हाइड्रोजन आयन का, अमोनियम आयन का, पोटेशियम आयन का और SO3- आयन का। अब देखते हैं दूसरा हेनले लूप। हेनले लूप में दो था, एक डिसेंडिंग था एक असेंडिंग था। तो देखिए जो हेनले लूप होता है उसे न्यूनतम एब्जॉर्प्शन होता है, क्या होता है, न्यूनतम एब्जॉर्प्शन होता है। और ये क्या करता है, ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करता है, किसको, ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करता है। ऑस्मोलरिटी आगे देख लेंगे क्या होता है, जैसे ऊपर होता है 300 फिर नीचे जाते हैं अंदर तो 1200 हो जाता है, 1300 होता है फिर ऊपर 300 हो जाता है, देखेंगे आगे हम। देखिए हेनले लूप में दो लिंब होते हैं, एक डिसेंडिंग लिंब आप लूप आप हेनले और एक असेंडिंग होता है। तो जो डिसेंडिंग वाला होता है ना, जो नीचे जाता है ना ऐसे करके, जो नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है तो वो वाटर के लिए परमिएबल होता है। इसका मतलब यहाँ से वाटर क्या हो सकता है, बाहर निकल सकता है। इसका मतलब वाटर यहाँ से क्या हो सकता है, बाहर निकल सकता है। तो वाटर के लिए परमिएबल होता है तथा इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए इम्परमिएबल होगा। इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्या होगा, इम्परमिएबल होता है। अब देखते हैं असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले, या इसके जस्ट उल्टा कर दीजिए। तो डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले में क्या था, डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले में क्या था, वाटर के लिए परमिएबल था, लेकिन यह वाटर के लिए इम्परमिएबल होता है, यानी इससे वाटर बाहर नहीं निकल सकता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर निकल सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्या होता है, परमिएबल होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्या होता है, इम्परमिएबल होता है। अब देखिए कंसंट्रेटेड यूरिन ऊपर जाता है, कंसंट्रेटेड ऊपर यूरिन क्या होता है, ऊपर जाता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स के बाहर निकलने की वजह से यूरिन डिलीट हो जाता है और ऑस्मोलरिटी घटने लगती है। देखिए हमारा मान लो कि यहाँ से ब्लड फिल्टर होके आया, इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट है, नीचे चला गया हेनले लूप में, कहाँ चला गया, हेनले लूप में चला गया। जो ये डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले वाटर के लिए परमिएबल है, इसका मतलब वाटर क्या हुआ, बाहर निकल गया, वाटर बाहर निकल गया। बचे क्या, इसमें क्या बचे, इलेक्ट्रोलाइट्स बचे कि नहीं बचे, इलेक्ट्रोलाइट्स बचे कि नहीं बचे, तो यहाँ पे ऑस्मोलरिटी बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ जाएगी, करीब 1300 हो जाती है, 1200 हो जाती है। अब देखो ये जो असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले है किडनी का, जो हमारा नेफ्रान का, न्यूरान का, जो भी नेफ्रान का, तो जो हेनले लूप का जो असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले है वो देखो वो वाटर के लिए क्या है, इम्परमिएबल, यानी पानी इसमें से बाहर क्या होता है, निकल नहीं पाता, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए परमिएबल होता है, यानी जो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स है वो आगे जाके यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, जिससे हमारा यूरिन क्या हो जाता है, कम कंसंट्रेशन यानी डिल्यूट हो जाता है। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा रहेंगे तो गाढ़ापन ज़्यादा होगा, सांद्रता ज़्यादा होगी, कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, इसीलिए आगे जाके यहाँ से निकल जा रहा है, यहाँ पे यूरिन क्या हो जाती है, हमारी डिल्यूट हो जाती है। तो वही चीज़ लिखेंगे कंसंट्रेटेड यूरिन ऊपर जाता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स के बाहर निकलने की वजह से यूरिन डिल्यूट हो जाता है और ऑस्मोलिटी घटने लगती है। अब डीसीटी का काम देखिए, जो दूसरा तीसरा हमारा डीसीटी है, डिजिटल कन्वोलेटेड ट्यूबल्स, कंडीशनल रिएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर, कंडीशन के हिसाब से कराता है, यानी पानी ज़्यादा हो गया तब करा लेगा, कम हो गया तो नहीं कराएगा, ऐसा काम करता है। तो कंडीशनल रिएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर, सेलेक्टिव सेक्रीशन ऑफ एच प्लस एंड के प्लस आयन, सेलेक्टिव सेक्रीशन ऑफ एच प्लस हाइड्रोजन आयन और पोटेशियम आयन का सेलेक्टिव सेक्रीशन कराता है और अमोनिया आयन का, मेंटेन पीएच एंड सोडियम पोटेशियम बैलेंस इन ब्लड, तो पीएच को भी मेंटेन करता है, सोडियम जो पोटेशियम बैलेंस होता है उसको भी, सोडियम पोटेशियम का जो बैलेंस होता है उसको भी मेंटेन करता है। चौथा देखते हैं कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट लार्ज अमाउंट में वाटर का रिएब्जॉर्प्शन करता है, कलेक्टिंग डक्ट क्या करता है, लार्ज अमाउंट में बहुत ज़्यादा मात्रा में वाटर का रिएब्जॉर्प्शन करता है, जिससे यूरिन क्या होता है, कंसंट्रेटेड हो जाती है, हमारी यूरिन क्या हो जाती है, कंसंट्रेटेड मतलब आप समझ लीजिए गाढ़ापन, कंसंट्रेट मतलब गाढ़ापन, यानी पानी ज़्यादा रहेगा किसी भी पदार्थ में तो उसका गाढ़ापन कम रहेगा, कंसंट्रेशन कम रहेगा। तो यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट क्या कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी उस डक्ट में से निकाल दे रही है, रिएब्जॉर्ब कर ले, इसका मतलब वहाँ पे यूरिन क्या हो जाता है, रिएब्जॉर्ब कर ले, तो वहाँ पे यूरिन क्या हो जाता है, कंसंट्रेटेड हो जाता है। देखिए अब दूसरा काम देख लीजिए, पीएच मान और आयनिक मान को बैलेंस करता है, पीएच को मेंटेन करता है, आयनिक मान को आयनिक कंसंट्रेशन को बैलेंस करता है, तो पीएच मेंटेन कर रहा है, आयनिक बैलेंस कर रहा है, सेलेक्टिव सेक्रीशन ऑफ पीएच प्लस एंड के प्लस आयन, तो सब एक जैसा है कि नहीं, याद हो जाएगा। देखिए सेलेक्टिव सेक्रीशन ऑफ पीएच प्लस एंड के प्लस आयन का करता है, मतलब सेलेक्टिव सेक्रीशन करता है, मतलब सिचुएशन के हिसाब से हाइड्रोजन आयन और पोटेशियम आयन का सेक्रीशन करता है कलेक्टिंग डक्ट। अब देखते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या होती है, काउंटर करंट मैकेनिज्म फार कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, यानी यूरिन के किसके लिए,
कंसंट्रेशन के लिए, जब बॉडी में हमारी वाटर की क्या हो जाए, कमी हो, जब हमारे शरीर में पानी की क्या हो, कमी हो। मान लो एक तो हमारे शरीर में पानी की कमी है और ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करें, यूरिन करें, तो हमारी शरीर बॉडी डिहाइड्रेट हो जाए कि नहीं हो जाएगी। तो वही डिहाइड्रेशन को रोकने के लिए क्या करती है, देखिए सबसे पहले यहाँ से ब्लड आया, क्या हुआ, ब्लड आया इसमें चला गया, कहाँ पे चला गया, ग्लोमेरुलस में। ग्लोमेरुलस में क्या हुआ, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ, इसमें क्या हुआ, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और आगे चला गया। अब ब्लड यहाँ पे आगे चला जाता है, कुछ इधर चला जाता है, तो आगे चला गया। अब देखो यहाँ पे पीसीटी में गया, पीसीटी से फिर कहाँ जाएगा, हेले लूप में, हेले लूप के डिसेंडिंग लिम्बा प्लूपा फैलने में जाता है, किसमें, डिसेंडिंग लिम्बा प्लूपा फैलने, उसके बाद आगे चला जाता है असेंडिंग लिम्बा प्लूपा फैलने में, उसके बाद डीसीटी में, फिर कलेक्टिंग डक्ट में। तब जब यहाँ से हमारा ब्लड जा रहा है तो ये पानी के लिए क्या होती है, परमिएबल होती है, पानी के लिए परमिएबल, यानी H2O क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। जब H2O बाहर होगा तो नीचे जाते जाते ये किसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट हो जाएंगे। तो देखो पानी के लिए तो परमिएबल है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए इम्परमिएबल थी, इसलिए नीचे जाते जाते क्या होती है, हमारी ऑस्मोलरिटी 1200 के करीब हो जाती है। अब देखो अब असेंडिंग लिम्बा प्लूपा फैलने, वाटर के लिए क्या है, इम्परमिएबल है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए परमिएबल है, यानी इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हो सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, बाहर चले जाते हैं। इसी वजह से तो हमारी यूरिन ऊपर जाके क्या हो जाती है, डिल्यूट हो जाती है, क्या होती है, डिल्यूट हो जाती है। मान लो इसमें पानी ज़्यादा है, इस यूरिन में क्या है, पानी ज़्यादा है, अब पानी ज़्यादा है यूरिन में तो ऐसे डीसीटी में जाएगा, डीसीटी से कहाँ कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट से कहाँ रीनल, रीनल में चला जाएगा, वहाँ से यूरेटर, फिर हमारा यूरिनरी ब्लैडर, फिर किडनी में चला जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में चला जाएगा, फिर यूरेथ्रा से होते हुए बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पानी का ज़्यादा से ज़्यादा लॉस हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना, इसीलिए डीसीटी क्या करता है, सोडियम आयन का क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन करता है सोडियम आयन का। तो एक पानी में गुड़ होता है कि जहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा, यहाँ पे जहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट रीअब्जॉर्ब होगा वहाँ पे वाटर भी रीअब्जॉर्ब होगा, क्या होगा, वाटर भी रीअब्जॉर्ब होगा। तो जब यह सोडियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन करती है तो उस समय वाटर भी अंदर जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, अब देखिए फिल्ट्रेट का हेले लूप में अपोजिट डायरेक्शन में जाना ही काउंटर करंट को जन्म देता है। जो फिल्ट्रेट है ना, यहाँ पे देखिए एक तो यहाँ पे नीचे जा रहा है, लेकिन जो हमारी इफरेंट आर्टिकल थी ना, आगे ब्लड को ले जाती है और इससे देखो अपोजिट डायरेक्शन में ले जाती है। तो यही जो अपोजिट डायरेक्शन में जो मूवमेंट हो रहा है ना, यही काउंटर करेंट कहलाता है, क्या है, काउंटर करेंट है, यही एक तरह से काउंटर करेंट है। अब देखते हैं यहाँ पे पीसीटी, पीसीटी क्या कंटेन करती है, प्लाज्मा विदाउट प्रोटीन, याद कर लीजिएगा बस रिमेम्बरिंग के लिए, आपके लिए याद करने के लिए। तो पीसीटी क्या कंटेन करती है, प्लाज्मा विदाउट प्रोटीन, प्रोटीन में क्या, प्लाज्मा में क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा, प्रोटीन नहीं रहता है। मिनिमम ब्लड ऑस्मोलरिटी, मिनिमम कितना होता है, 300 होता है, मिनिमम कितना होता है, 300 होता है। देखिए यहाँ पे कितना है, 300 है कि नहीं मिनिमम, और मैक्सिमम कितना होता है, 1200 होता है। तो मिनिमम ऑस्मोलरिटी 300 होती है, मैक्सिमम ऑस्मोलरिटी 1200 होती है। PCT में 300 होता है और DCT में कितना, 200। देखो यहाँ पे PCT में 300 है कि नहीं है, 300, और DCT में कितना होता है, 200 होता है। अब देखिए हम आप लोगों के लिए काउंटर करंट मैकेनिज्म के लिए एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी इसलिए हम 60 में समझा के निकल गए हैं, हम इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। अब देखिए रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, किडनी फंक्शन का रेगुलेशन देखिए, जब हमारे शरीर में ब्लड वॉल्यूम क्या हो, वॉल्यूम में चेंज हो, या हमारे आयनिक कंसंट्रेशन में क्या हो, चेंज हो, तब ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिव हो जाते हैं। ऑस्मो रिसेप्टर्स हमारे शरीर में पाए जाते हैं, जो कि एक्टिव हो जाते हैं। जब शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा पानी लॉस होने लगता है तो ऑस्मो रिसेप्टर्स हाइपोथैलेमस से ADH का क्या करते हैं, या ADH का एंटी डायुरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन का सेक्रीशन कराते हैं, क्या कराते हैं, सेक्रीशन कराते हैं। जब हमारे शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा पानी का लॉस होने लगता है तब ऑस्मो रिसेप्टर्स क्या करते हैं, हाइपोथैलेमस से ADH या वैसोप्रेसिन का सेक्रीशन कराते हैं। ADH ट्यूबल्स पर काम करके वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराता है, क्या करता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करता है और डायुरेसिस से बचाता है, डायुरेसिस मतलब पानी की कमी से बचाता है। और जब पानी की मात्रा बढ़ जाती है, जब पानी की मात्रा बढ़ जाती है तो ये ऑस्मो रिसेप्टर्स क्या हो जाएंगे, ऑफ हो जाएंगे। तो यहाँ पे सिंपल सा लिखा है कि जब हमारे शरीर में या ब्लड में वॉल्यूम चेंज होगा तो क्या होगा, हमारे शरीर में ऑस्मो रिसेप्टर्स क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, और वो क्या करते हैं कि हाइपोथैलेमस पे काम करके ADH और वैसोप्रेसिन का सेक्रीशन कराते हैं। अब वैसोप्रेसिन और ADH क्या करती है कि DCT पे काम करती है और सोडियम का और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराती है, क्या करती है, सोडियम का वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करती है ताकि पानी की कमी न हो, जिससे हमारी डायुरेसिस से बच सके, डायुरेसिस से बच सके। अब मान लो पानी शरीर में ज़्यादा हो गई, दूसरा कंडीशन आया कि शरीर में जब पानी हमारी ज़्यादा हो गई तो ऑस्मो रिसेप्टर्स क्या होंगे, ऑफ हो जाते हैं और ADH का सेक्रीशन भी रुक जाता है। ADH ब्लड वेसल्स को कई बार ज़्यादा कंट्रैक्ट कर देता है, ज़्यादा क्या कर देगा, सिकुड़ देगा, ज़्यादा क्या कर देगा, सिकुड़ देगा, ज़्यादा क्या कर देगा, सिकुड़ कर देगा, सिकुड़ देगा। तो देखो ADH ब्लड वेसल्स को कई बार ज़्यादा कंट्रैक्ट कर देता है, ज़्यादा सिकुड़ देता है, जिससे ब्लड वेसल्स में प्रेशर बढ़ जाता है। ब्लड वेसल्स में क्या होगा, प्रेशर बढ़, अपने पानी पौधों को कभी कभी पानी जब पौधों को देते हैं तो देखते होंगे जो पाइप होती है उसका मुँह दाबोने पर क्या होता है, पानी प्रेशर
तेजी से फेंकता है, इस यही कारण है, मतलब फेंकता है कि नहीं फेंकता है, तो यही सेम ब्लड वेसल्स में होता है। जब ब्लड वेसल्स क्या होंगी, पतली होती चली जाएंगी, तो वहाँ पे क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे GFR भी बढ़ जाता है, जो हमारा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट है ना 125 ml/min वाला, वो भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, वो भी बढ़ जाता है। जक्स्टा ग्लोमेरुलस अपरेटस में जेजी सेल्स पाई जाती है, जो हमारा जक्स्टा ग्लोमेरुलस अपरेटस होता है, जो जक्स्टा ग्लोमेरुलस अपरेटस है, उसमें कौन सी सेल्स पाई जाती हैं, जेजी सेल्स पाई जाती हैं। जब GFR कम हो जाता है, मान लो हमारा जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट है, जो फिल्ट्रेशन रेट है वो क्या हो गया, कम हो गया, तब ये जेजी सेल्स क्या होती है, एक्टिव हो जाती है। जो 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 जेजी सेल्स है ना, वो क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। GFR में कमी हुआ, GFR में क्या हुआ, कमी हुआ, तब जेजी सेल एक्टिव हो जाती हैं और रेनिन सेक्रेट करती हैं। क्या सेक्रेट करती हैं, रेनिन। और रेनिन काम करता है किस पे, एंजियोटेंसिनोजन पे। तो हमारे ब्लड में पाया जाता है एंजियोटेंसिनोजन, क्या पाया जाता है, एंजियोटेंसिनोजन। तो सबसे पहले देखो कि जब GFR में कमी होगा तो जेजी सेल एक्टिव हो जाएंगी, ये जेजी सेल्स रेनिन सेक्रेट करती हैं, रेनिन सेक्रेट करती हैं, एक और रेनिन होता है RENIN। तो ये बच्चों के दूध को पचाने के लिए होता है रेनिन, ये वाला देखो डबल एन है इसमें, लेकिन इसमें देखो एक सिंगल एन है, तो यहाँ पे अंतर आप समझ लीजिए, नहीं तो ऑप्शन में गलत कर देंगे आप। तो देखिए GFR जब कम हो जाता है तो जेजी सेलेक्टिव हो जाती है, जो कि रेनिन को सेक्रेट करती है, और रेनिन क्या करता है, ब्लड में पाए जाने वाले एंजियोटेंसिनोजन पर काम करता है, और एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट, एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट कर देता है। तो जो हमारा रेनिन था वो ब्लड में पाए जाने वाले एंजियोटेंसिनोजन पर काम करेगा, उसको एंजियोटेंसिन फर्स्ट, एंजियोटेंसिनोजन सेकेंड में कन्वर्ट कर देता है। एंजियोटेंसिनोजन एक पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्शन है। वैसोकंस्ट्रिक्शन क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स को क्या करे, कंटैक्ट करे, दबाए, जिससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो देखिए रेनिन सेक्रेट होगा, जब GFR में क्या होगा, कमी होगा, तो जेजी सेलेक्टिव होंगी, रेनिन सेक्रेट करेंगी, या रेनिन ब्लड में पाया जाने वाले एंजियोटेंसिनोजन पे काम करके एंजियोटेंसिन फर्स्ट, एंजियोटेंसिनोजन सेकंड में कन्वर्ट कर देगा। एंजियोटेंसिनोजन सेकंड क्या होता है, एक पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्शन होता है, जो कि ब्लड वेसल्स को क्या करती है, कंटैक्ट करेगी, जिससे ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, जब ब्लड फ्लो या ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो वहाँ पे GFR भी बढ़ जाता है, तो ब्लड फ्लो क्या होता है, बढ़ जाता है, और GFR भी बढ़ जाता है। एंजियोटेंसिनोजन ट्यूब्यूल्स द्वारा सोडियम और वाटर का एब्जॉर्प्शन भी करवाता है। जो एंजियोटेंसिनोजन क्या कर रहा है, ट्यूब्यूल्स के द्वारा सोडियम का और वाटर का, अभी आप लोग देखे नहीं, देखें कि नहीं, ADH एक हार्मोन होता है जो कि क्या काम करता है, DCT पे काम करके सोडियम का और वाटर का एब्जॉर्प्शन कराता है, वैसे ही एंजियोटेंसिनोजन ट्यूब्यूल्स पे काम करके सोडियम और वाटर का एब्जॉर्प्शन भी करवाता है, जिससे GFR क्या होता है, बढ़ जाता है। जो हमारा GFR है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट है, वो बढ़ जाता है, और ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। यह कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म रेनिन एंजियोटेंसिनोजन कहा जाता है। मान लो GFR बढ़ गया, अब इसको कम भी तो करना है, ऐसा थोड़े कि इसी पे छोड़ देंगे। तो इसके लिए क्या होगा ना, कि जो हमारी हार्ट होती है ना, तो हार्ट की RTL वाल होती है, उसे एक ANF फैक्टर रिलीज होता है। क्या होता है, ANF फैक्टर, आर्टियोनेटिक यूरेटिक फैक्टर रिलीज होता है, जो वैसोडिलेशन कराता है। मतलब वैसोडिलेशन, जो ब्लड तेजी से बह रहा था ना, उसको डिले करेगा, थोड़ा धीरे कर देता है, जिससे ब्लड प्रेशर डिक्रीज करता है, और हमारा GFR भी क्या करता है, डिक्रीज करता है, नॉर्मल स्टेज में आ जाता है। अब देखते हैं मिक्चुरेशन क्या होता है। तो द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन कब होगा, देखिए हमें जब हमें यूरिन लगता है तो हमें महसूस होता है। तो महसूस कब होता है, मान लो यूरिनरी ब्लैडर है, इसमें यूरिन क्या हुआ भर गया, तो ये क्या करेगा कि सिग्नल भेजेगा हमारे ब्रेन के पास, ब्रेन में यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, किसके पास, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। तो यहाँ से जो सिग्नल आएगा ना सेंट्रल नर्व के पास, ये क्या करेगा कि इस यूरिन के पास जो स्मूथ मसल्स होती हैं, कौन सी, स्मूथ मसल्स होती हैं, उस स्मूथ मसल्स को क्या करता है, कंटैक्ट कराता है, दबाता है। देखो गुब्बारे को दबाओ तो वहाँ से निकलेगा पानी, निकलेगा समझो। तो देखो यूरिनरी ब्लैडर को क्या करेगा, जो उसकी स्मूथ मसल्स होती हैं उसको कंटैक्ट कराता है। तो ब्रेन से एक सिग्नल आएगा जो स्मूथ मसल्स को स्ट्रेच करेगा, दबाएगा, जिससे क्या होगा, यूरिन यहाँ पे आगे यूरेथ्रा में बढ़ेगा और हम मिक्चुरेशन करेंगे ना। तो द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड मिक्चुरेशन। तो वही यूरिन का रिलीज होना ही क्या है, मिक्चुरेशन है। एडल्ट मैन में 1 से 1.5 लीटर पर डे, यानी एक एडल्ट ह्यूमन 1 से 1.5 लीटर एक दिन में निकालता है यूरिन। अब देखो 20 से 25 ग्राम पर डे यूरिया, यानी 20 से 25 ग्राम क्या निकाल रहा है, यूरिया। 1 से 1.5 लीटर यूरिन हो गया, 20 से 25 ग्राम यूरिया हो गया पर डे एक दिन में। यूरिन हेल्प टू डायग्नोसिस मेनी डिजीज। देखो हम यूरिन से क्या कर सकते हैं, जो LT वाले होते हैं लैब टेक्नीशियन, वो क्या करते हैं, यूरिन लेंगे, यूरिन का सैंपल लेंगे, उससे बहुत सारे डिजीज का क्या करेंगे, पता लगा लेंगे। प्रेगनेंसी टेस्ट भी किया जाता है। देखो डायग्नोसिस ऑफ मेनी डिजीज, प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है,
ग्लूकोज का भी टेस्ट किया जाता है। ग्लूकोज का टेस्ट किया जाता है कि भाई इसे कोई डायबिटीज तो नहीं है, डायबिटीज मेलिटस तो नहीं है। तो देखो यदि हमारे किडनी में, यदि हमारी किडनी या ब्लड में एक्सेस ग्लूकोज हो जाए, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जा रही है, तो उसे हम ग्लूकोसूरिया बोल देंगे। क्या बोल देंगे? ग्लूकोसूरिया। यदि वही कीटोन बॉडी बढ़ जा रही है, तो उसे हम कीटोनूरिया बोल देंगे। क्या बोल देंगे? कीटोनूरिया। इन दोनों को हम डायबिटीज मेलिटस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायबिटीज मेलिटस बोलते हैं। तो यदि ज़्यादा ग्लूकोज हो गया तो उसको ग्लूकोसूरिया बोल देंगे, और ज़्यादा कीटोन बॉडी हो गया तो उसे हम कीटोनूरिया बोल देंगे, कीटोनूरिया बोल देंगे। अब देखिए रोल ऑफ अदर ऑर्गन इज एक्सक्रीशन, यानी जो हमारे शरीर में अदर ऑर्गन है ना, उसका एक्सक्रीशन में क्या रोल है। तो देखिए किडनी हो गया, लंग हो गया, लीवर, स्किन हो गया। तो लंग क्या करता है, 18 लीटर पर डे कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है। तो हमारा लंग 18 लीटर पर डे कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है। लीवर हो गया, लीवर क्या करता है, बाइल पिगमेंट को सेक्रेट करता है, कोलेस्ट्रॉल सिक्रेट करता है, विटामिन और ड्रग्स को। तो बाइल पिगमेंट दो होते हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। इनसे क्या होता है हमारा पीलिया, पीलिया। यदि यही ज़्यादा मात्रा में हो जाएंगे, डिपोजिशन होने लगा, तो यहाँ पे पीलिया हो जाता है। पीलिया को आप इंग्लिश में, चलिए भूल गए, याद नहीं आ रहा है इसमें। आते हैं सीबेसियस ग्लैंड, क्या बोलते हैं, सीबेसियस ग्लैंड, सीबेसियस ग्लैंड या स्वीट ग्लैंड। ये क्या करती हैं, स्वीट को सेक्रेट करती हैं, पसीना। और पसीने में क्या होता है, NaCl होता है, NaCl सोडियम क्लोराइड हो गया, हमारा यूरिया हो गया, NH2CO हो गया, NH2CONH2 हो गया, लैक्टिक एसिड हो जाता है, लैक्टिक एसिड हो जाता है, वैक्सेस और सीबम, वैक्सेस और सीबम भी सीबेसियस ग्लैंड क्या करती है, वैक्सेस और सीबम भी रिलीज करती है। स्वीट के कारण हमारी बॉडी सरफेस क्या रहती है, ठंडी रहती है। गर्मियों में हमें ठंडा लगता है कि नहीं लगता है, जब पंखा चालू करते हैं, किसके कारण, स्वीट के कारण, पसीने के कारण। सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड में क्या पाई जाती है, मरकरी। तो सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा क्या एक्सक्रीट हो रहा है, मरकरी एक्सक्रीट होता है। अब देखते हैं डिसऑर्डर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो आपने पहले देख लिया डायबिटीज मेलिटस देख लिया, जिसमें ग्लूकोसूरिया कीटोनूरिया हो रहा था, जिसमें ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो रही थी, ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो रही थी उसको ग्लूकोसूरिया बोल देते, और कीटोन की ज़्यादा हुई तो कीटोनूरिया बोल दे रहे थे। ऐसे एक यूरेमिया होता है, यदि यूरिन में किसका मात्रा, यूरिया का मात्रा ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा यूरिया हो जाए, तो उसे यूरेमिया बोल देंगे, जिसे किडनी फेलियर का चांसेस ज़्यादा रहता है, किडनी फेल करने का। रिमूव बाय हीमोडायलिसिस, हीमोडायलिसिस के द्वारा कराया जाता है इसको। तो देखो ब्लड में मान लो क्या होगा, यूरिया ज़्यादा हो गया, तो उसको क्या करेंगे हम, डायलाइजिंग यूनिट में भेजते हैं। क्या करते हैं, डायलाइजिंग यूनिट में भेज के वहाँ पे एंटीकोएगुलेंट को, जैसे हिपेरिन हो गया, उसको ऐड करते हैं, हिपेरिन को ऐड करते हैं। जो डायलाइजिंग यूनिट होता है ना, वो क्या कंटेन करता है, क्वाइल्ड सिलोफेन ट्यूब, एक क्वाइल्ड सिलोफेन ट्यूब होता है, और क्वाइल्ड सिलोफेन ट्यूब के पास डायलिसिंग फ्लूइड होता है, जो कि सेम एकदम हमारे जो सेम जो हमारा कंपोजिशन होता है ना ब्लड का, वैसा होता है। जो डायलिसिंग फ्लूइड है ना, उसका कंपोजिशन कैसा रहेगा, सेम हमारे ब्लड के कंपोजिशन के जैसा रहता है। और केवल इसमें क्या नहीं रहेगा, नाइट्रोजनस वास्ट नहीं रहेगा, नाइट्रोजनस वास्ट इसमें नहीं रहता है। तो एक तरफ से हम ब्लड को इसमें डालते रहेंगे और एक तरफ से इसको चढ़ाएंगे, ताकि हमारे ब्लड में, मतलब हमारे शरीर में ब्लड की कमी ना हो। तो यही हमारे डिसऑर्डर थे, और हीमोडायलिसिस हो गया अपना। तो चलिए ठीक है, कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी बनी है, थोड़ी गलती हुई होगी तो उसे वो हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ दीजिएगा। तो बाय, टाटा, सत श्री अकाल, बाय बाय, गुड नाइट।